हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ड्राइविंग गेम स्टार। तो गाइस यार, आज आप सभी का दोबारा से स्वागत है रेंच सिमुलेटर में। तो गाइस यार, अगर आपको याद होगा कि पिछले वाले रेंच सिमुलेटर के एपिसोड में हम लोगों ने एक प्रॉपर सा हेन का कूप बनाया था, मतलब उसको बना रहे थे। और गाइस आज के एपिसोड में उसको जल्दी से मुझे कंप्लीट करना है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली तीसरा दिन का शुरुआत हो चुका है और ये फ्लैश लाइट को हम लोग ऑफ कर देते हैं और नीचे में जाते हैं और बाकी का जो हमारा अधूरा काम बचा हुआ है ना, इसको जल्दी से जाकर हम लोग पूरा कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये दरवाजे से निकलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। रुक जाओ, कहाँ गया ये देखो। यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, ढेर सारे जो वुड प्लैंक्स हैं हमने यहाँ पे तैयार करके रखे हैं, एक साथ में तीन तीन करके सीधा ले जाते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं। चलो गाइस। अरे गाइस, ये मुर्गी जी बाहर कैसे आ गई, इसको मुझे सीधा ले जाकर अंदर में रखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं पकड़ता हूँ और सीधा ले जाकर यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और बाकी का जो मुर्गी है ना, उन्हें भी मुझे अंदर में डालना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, पहले ये मेरा पूरा काम खत्म हो जाने दो, नहीं तो फिर से वो लोग बाहर निकल जाएंगे। रुको, एक मिनट रुक जाओ। और गाइस यहाँ पे प्लैंक भी खत्म हो चुका है, लगता है मुझे दोबारा से प्लैंक बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी हमारा काम वहाँ पे अधूरा है, आप सामने देख सकते हो। रुको, मैं प्लैंक्स बनाने की भी मैं तैयारी करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ गाइस। लेकिन गाइस उससे पहले ना, मुझे इस मशीन को फ्यूल अप करना पड़ेगा। और हमारा जरी कैन कहाँ गया, ये रहा। इस जरी कैन को हम लोग सबसे पहले लेके आते हैं, ले आकर सीधा इसको हम लोग रिफिल करते हैं। ये लो भाई, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी मुझे और ढेर सारी लॉक्स वगैरह लाना होगा और मुझे इसके लिए ना एक स्टोरेज रूम बना लेना चाहिए ताकि जब भी मुझे प्लैंक्स का ज़रूरत हो ना, तभी मुझे वो मिल जाए। तो चलो यार, सबसे पहले अभी मुझे यहाँ से ये जो ट्रीज है ना, इसको मुझे कट करके लेके आना है। ये मैंने इसको कट कर दिया और इसका प्लैंक्स भी अभी बनने वाला है। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, एक दो तीन, तीन ही मिला है बस। तो चलो यार, इसको भी सीधा सीधा फटाफट से ले जाकर मशीन के अंदर में रख देते हैं ताकि जो है इसका प्लैंक्स तैयार हो जाए। जब तक वो तैयार हो रहा है, दूसरी वाली को भी मैं लेके जाता हूँ, ले जाकर मैं इसमें लगा देता हूँ गाइस। चलो, और गाइस लगता है इसी से हमारा काम चल जाएगा या फिर हमको और एक ट्री काटना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। चलो यार, पहले मैं इसका तो काम ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या करना पड़ रहा है हमको। ये भी कट चुका है और बाकी इसको भी मैं प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा कुछ और मुझे प्लैंक्स मुझे मिल गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो इसको पहले तैयार होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग एक एक करके ले जाकर फिर उसमें लगा देंगे। उससे पहले इस मशीन को ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो यार फालतू में जो फ्यूल है ना, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। चलो ये तो ऑफ हो गया, अभी हम लोग यहाँ से तीन तीन करके उठाते हैं और सीधा ले जाकर यहाँ पे एक एक करके लगा देते हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों मुझे कुछ गैप दिखाई दे रहा है, पहले मैं सही करता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले मुझे सही करना पड़ेगा। ये मैंने वुड फेंस ले लिया और देखो कितने सारे हिरन दिख रहे हैं यार। जब मेरे पास में राइफल नहीं है, इतने सारे हिरन उसी वक्त में आ रहे हैं और कितना गुस्सा आ रहा है बोलो यार, गुस्सा तो आना ही चाहिए। अभी जो मेरा फेंस है वो बिल्कुल अब सही लग रहा है। अभी हम लोग सीधा चलते हैं जाकर, ये जो मुर्गी है ना यार, इसको वापस से मुझे अंदर में रखना पड़ेगा। ये लोग बार बार से ना बाहर में आ जा रहे हैं। एक बार मेरा फेंसिंग का काम हो जाने तो उसके बाद जो मुर्गी बाहर रहेगा ना, मैं उसको सीधा ले जाकर अंदर में रख दूंगा और फिर वो लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये फेंसिंग का काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो यार, इसको भी हम लोग सीधा इसमें इंसर्ट करवा देते हैं। करवाने के बाद में ये तो हो गया है गाइस। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस, मैं देख लेता हूँ कितना प्लैंक मुझे लगेगा अभी। हाँ भाई, मुझे याद आया, मुझे इनको खाना देना है। तो गाइस पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर हम लोग बाकी का काम करेंगे। देखो यार, ये लोग फिर से भूखा मर ना जाए यार। देखो अंडे तो यार एक ही मिला है यहाँ पे, क्योंकि यार खाना मैंने इनको दिया ना। अच्छा, यहाँ पे ढेर सारे अंडे पड़े हुए हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो भाई सबसे पहले ना मैं इनके लिए एक फीडर का बंदोबस्त कर लेता हूँ। फीडर कहाँ चला गया, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। ये नहीं चाहिए, हाँ ये वाला सही रहेगा। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा मैं वो देख लूँगा, लेकिन उसके पहले, अरे ये हिरन यार इसके अंदर में भी चली जा रही है यार, कहीं मेरे मुर्गियों को मार ना दे ये। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो फीडर है ना, मैं इसको यहीं पे प्लेस कर देता हूँ ताकि इनको खाने में ना आसानी हो जाए। तो गाइस चलो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, छः वुड प्लैंक्स चाहिए होगा। जल्दी से मैं छः वुड प्लैंक्स का बंदोबस्त कर देता हूँ गाइस, और जल्दी से और कुछ लेके आते हैं। और एक बड़ा सा ट्री को हम लोग को कट करना पड़ेगा गाइस, ये वाला कट करते हैं, इससे ढेर सारे प्लैंक्स मुझे मिल जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा लग रहा है गाइस। चलो एक दो तीन चार, सिर्फ चार ही लॉग्स मुझे मिले। फटाफट से इनके भी हम लोग लगा, पहले यार इसको टर्न ऑन करते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। और बाकी वो कहाँ गया, ये रहा, बाकी के तीन वुड लॉक्स को भी हम लोग लेके आ जाते हैं और सीधा इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। जल्दी से फीडर को ख़त्म करते हैं और उसमें खाना डालने का बंदोबस्त करते हैं। और गाइस हमको खाना भी लाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा खाना भी हमारे पास में नहीं है। तो यार हमको ग्रेन बैग्स जो है ना, वो भी लाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो जो भी काम है ना, वो मुझे गाइस बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो पिछले बार के जैसा इस बार भी जो हमारा मुर्गी है ना, ये लोग कहीं मर ना जाए यार।
चलो यार, एक और लॉक बचा हुआ है वहाँ पे, इसको भी हम लोग लेके आ जाते हैं, जाकर सीधा हम लोग कर देंगे इसमें इंस्टॉल। रुको एक मिनट, रुक जाओ। अब जितने भी प्लैंक्स बने हैं ना मेरे पास में, इनसे तो यार मैं सबसे पहले जो फीडर है उसको तैयार करना चाहूँगा। और अभी हम लोग जल्दी से फीडर वगैरह बना लेते हैं गाइस। चलो यार, तीन प्लैंक्स मैंने डाल दिया और तीन प्लैंक्स का मुझे ज़रूरत होगा। यहाँ से देखते हैं, और दो प्लैंक्स इसमें बचा हुआ है, तो मुझे लगता है फिर से मुझे कोई ट्री को काटना पड़ेगा फेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। तो यार यहाँ पे मेरा फीडर हो चुका है कंप्लीट। गाइस पहले ना मैं ग्रेन बैग को लेके आता हूँ, इसको पहले ओपन करता हूँ। यहाँ से जो ग्रेन, अरे यार मेरे पास में सिर्फ एक ही ग्रेन बैग पड़ा हुआ है, तो मुझे जल्द से जल्द ग्रेन बैग्स भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पानी नहीं है, पहले मुझे पानी फिलअप करना पड़ेगा। पानी का जो टंकी है वो कहाँ चला गया? अच्छा मुझे याद है, वो उस साइड वाला जो घर है वहाँ पे पड़ा हुआ है। जल्दी से हम लोग यहाँ पे चलते हैं और जो पानी का मेरा बॉटल है ना इसको ले आते हैं। पानी का बॉटल, इसमें पानी है ना, फिर पता चलेगा इसमें पानी नहीं है, हम लोग बेफालतू में लेके जा रहे हैं इसको। देखेंगे इसके पास में ना मुझे कुआं भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर और ज़्यादा आसानी होगा। पहले देखते हैं यार ये काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। हाँ गाइस, इसमें पानी पड़ा हुआ है और जितना पानी है ना ये पूरा भरवा देगा। और बाकी बॉटल को मैं उठा लेता हूँ और सीधा यहीं पर रख देता हूँ, उस घर में नहीं रखेंगे। मैं सब कुछ मेरे गराज में रख रहा हूँ ताकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वाला आसान हो जाए काम करने में। तो गाइस यहाँ पे पानी मुझे मिल चुका है, खाना मिल चुका है, और मुझे ढेर सारी जो ग्रेन बैग्स है ना वो मुझे और लेके आना पड़ेगा। और बाकी इनके लिए तो मैंने सब कुछ ठीक ठाक करके इंतजाम कर दिया है। और गाइस अभी मैं दोबारा से एक बड़ा सा ट्री को कट करता हूँ, और मेरा जो फेंसिंग का काम है ना इसको मैं जल्दी से फटाफट से ख़त्म करता हूँ। ये वाला ट्री मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसको कट करते हैं गाइस। कितना मिला? 1, 2, 3, 4। अरे भैया ट्री इतना बड़ा है लेकिन फिर भी ये लोग ना 4 से ज़्यादा नहीं देने वाले। चलो इसको हम लोग दोबारा से टर्न ऑन करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको इंस्टॉल करवा देते हैं। और कहाँ गया ये रहा, ये बाकी का जो लॉग्स है इसको भी मैं उठाकर सीधा लेके चला जाता हूँ। और गाइस मुझे अभी जनरल स्टोर में भी जाना है क्योंकि ग्रेन बैग्स वगैरह सब मुझे ख़रीदना है। और फिर गाइस पहले ये वाला काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद में दूसरा जो काम है ना वो उसमें हम लोग फोकस करेंगे। चलो यार बस एक ही और लॉग्स बचा हुआ है, कहाँ चला गया ये रहा, इसको भी हम लोग उठा लेते हैं और सीधा ले चलते हैं, चल के फिर इसको इंस्टॉल कर देंगे उसमें। और गाइस लगता है और मुझे लॉग्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से शायद से हमारा काम हो जाएगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है। चलो यार इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। और गाइस फटाफट से हम लोग इस तीन तीन करके ले जाकर ना, मतलब जो बाकी है हमारा इसमें लगा देते हैं। तीन मैंने इसमें इंसर्ट करवा दिया, वहाँ पर मशीन का काम ख़त्म हो चुका है, इसको भी बंद कर देते हैं गाइस। यहाँ पर ये हो चुका है, अब यहाँ से दोबारा से तीन तीन करके लॉग उठा लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। चलो ये तीन मैंने ले लिया, गाइस पांच पांच करके उठा सकते थे एक साथ में, लेकिन ये पता नहीं तीन तीन कैसे हो गया। पहले तो पांच ही उठा सकते थे, पहले नहीं मतलब मैंने कहीं ना कहीं देखा तो है कि भाई पांच पांच वुडन लॉग्स को एक साथ में लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कोई अपडेट्स वगैरह आया होगा इस गेम का, वो तो मुझे मालूम नहीं। चलो यार ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। तो यार फाइनली मेरा जो काम है वो हो चुका है ख़त्म। अभी मैं जल्दी से गेट्स को क्लोज कर देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सारे के सारे मुर्गियाँ हैं ना। हाँ दो रूस्टर है और दो मुर्गियों भी है, चलो यार सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अंडे नीचे पड़े हुए हैं ना पहले मैं इस गेट को बंद कर देता हूँ, नहीं तो जो मुर्गी है ना वो देखो सामने में ही आ रही है, वो बाहर निकल जाएगी। चलो तुम लोग अंदर में रहो, और ये वाला गेट को भी मुझे बंद करना पड़ेगा। अच्छा ये लॉग्स को मैं कहाँ लेके घूम रहा हूँ, मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, फिर यार बाद में काम पर आएगा तो फिर देखेंगे। और गाइस इसमें ऊपर से तो मैं ऐसे जा नहीं सकता, मुझे गेट से ही ओपन करना पड़ेगा। और गाइस जितने भी अंडे मिले हैं ना मुझे अभी जल्दी से जल्दी इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा बास्केट कहाँ चला गया, ये रहा मेरा बास्केट, और इन्हें मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। देखते हैं कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है अंडा, ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और है, और कहीं पे है क्या, अंदर में तो है वो तो मुझे भी मालूम, अंदर में तो गाइस सिर्फ एक ही है। हाँ यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, देखो यार कहाँ कहाँ में अंडे दे देती है मुर्गी, देखो कितने सारे अंडे, बस चार ही अंडे आए हैं मेरे पास। अच्छा यहाँ पे एक और है, चलो इसको मैं सीधा भी बंद कर देता हूँ और देख लेते हैं आसपास में, क्योंकि जनरल स्टोर में जा रहे हैं ना बाहर के साइड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सीधा इस अंडों को भी बेचकर आ जाएंगे। $6 करके, चार का मुझे $24 ऑलरेडी मिल जाएगा, तो यार क्या होगा ना मेरा फंड्स बढ़ जाएगा थोड़ा। नहीं गाइस कहीं पे और अंडा मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, तो यार इसको सीधा हम लोग ले जाकर रखते हैं हमारे कार में। हमारा कार कहाँ चला गया, ये देखो यहाँ पे कार है, वो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, तो यार इसको हम लोग सीधा यहाँ पे रख देते हैं। और गाइस अभी हम लोग सीधा एक बार हार्डवेयर स्टोर में चलते हैं, जो मैं राइफल्स मांग रहा हूँ ना वो शायद से मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो यार ये यहाँ से बाहर आ चुके हैं, बहुत चालाक लग रहे हो यार तुम लोग। वहाँ पे वो जो आप सामने देख सकते हो ना वो जो दरवाज़ा खुला है, इस मुर्गी ने ना यहाँ से एंटर किया करके सीधा यहाँ से बाहर आ गया। देखा यार कितना ज़्यादा चालाक बन रहे हैं लोग। चलो यार कोई बात नहीं, हम लोग अभी सब कुछ बंद कर चुके हैं और यहाँ कहीं से भी इन लोग बाहर अब निकल नहीं सकते हैं।
चलो यार अभी हम लोग सीधा विजिट करते हैं जनरल स्टोर में, ये गराज को हम लोग बंद कर देते हैं, हम लोग चले जा रहे हैं तो यार सब कुछ बंद करके ही जाते हैं। और जो घर है, घर का दरवाज़ा बंद है ना, नहीं तो फिर पता चलेगा हम लोग रात में सोने के लिए आएंगे और फिर भालू आकर वेट कर रहा होगा अपने डिनर के लिए। चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने बंद कर दिया, अभी हम लोग सीधा चलते हैं हार्डवेयर स्टोर में। गाड़ी में गई हमारा फ्यूल वगैरह है ना, सब कुछ ठीक ठाक? हाँ यार फ्यूल तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोग सीधा निकलते हैं और पहुँचते हैं गाइस हार्डवेयर वाले स्टोर पे। शायद से मुझे यहाँ पे राइफल्स मिल जाना चाहिए गाइस। चलो मैं यहाँ से उतरता हूँ और जाकर एक बार मैं चेक करके आता हूँ यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। मिल तो जाना चाहिए क्योंकि टूल्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे चीज़ जो है ना यहाँ पे मिल जाता है। चलो अब अंदर में चलते हैं। और यार शाम होने को आया है, 4:25 हो चुके हैं। आज का जो यही काम करते करते फिर पूरा दिन निकल गया। और वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहाँ चला गया? ये रहा ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यहाँ पे देखते हैं गाइस जो राइफल्स है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सब तो मुझे चाहिए नहीं। कंक्रीट बैग्स भी अभी मुझे फिलहाल चाहिए, मतलब मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता उनके पीछे में। गाइस मुझे लगता है यहाँ पे नहीं, वो जनरल स्टोर में मिलेगा। अरे यार फिर से मैंने बेकार में यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पे मैं आ गया। तो चलो यार इसको बंद करते हैं, अभी सीधा हम लोग चलते हैं गाइस जनरल स्टोर में। तो यार वहीं पे हमको मिलना है, जो भी हमको मिलेगा ना सब कुछ हमको वहीं पे मिलना है। अरे यार पिछले दिन मैंने जनरल स्टोर में गया था तो यार उसी दिन मुझे ले लेना चाहिए था, मैं भूल गया। मुझे लगा कि भैया यहाँ पे नहीं मिलेगा, हार्डवेयर स्टोर में मिलेगा, लेकिन यार नहीं, यहीं पे था राइफल्स वगैरह सब, जितने भी गोली वगैरह है, गन वन जो भी है सब यहीं पे मिलेगा जनरल स्टोर में। तो नॉर्मली टूल्स यानी हार्डवेयर स्टोर में मिलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे टूल्स वगैरह जो है वहीं पे मिलता है। चलो हम लोग यहाँ से उतरते हैं और सीधा देखते हैं कि भैया खुला है ना दुकान। हाँ खुला तो है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर में देख लेते हैं कि क्या कुछ अवेलेबल है। बाय में चलते हैं, टूल्स में आ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। ये रहा, ये मुझे बुलेट्स मिल चुका है। टोटल यहाँ पे 24 बुलेट्स हैं शायद से, तो इनको मैं ले लेता हूँ। और मुझे ग्रेन बैग्स भी चाहिए हैं ढेर सारे, तो इनको मैं दो ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। और फूड एंड वाटर में, वाटर तो मेरे पास में अभी ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, बैग ऑफ फीड मुझे थोड़ा बहुत चाहिए होगा, तो ये मैं ले लेता हूँ। मैं तीन बैग्स ले लेता हूँ, तो $170 मेरे यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो यार मैं इसको जल्दी से चेकआउट करता हूँ, चेकआउट कर देता हूँ। और गाइस अभी शायद से हमारे पास में ना $63 बचा हुआ है, तो चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से हम लोग मीट वगैरह बेचेंगे, बेचकर फिर से थोड़ा बहुत पैसा जो है ना वो हम लोग कमा लेंगे। अच्छा मैं भूल गया, ये जो एग्स है ना मुझे इनको भी सेल करना है ना, चलो इसको भी मैं सेल करके एक बार आ जाता हूँ और देखते हैं कितना मिलेगा हमको। $24 मिलेंगे और कितना मिलेगा, ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं, अंडों का तो काफ़ी कम मिलता है। चलो यार $30 मिल रहा है, इसको भी हम लोग सेल कर देते हैं। $93 हमारे पास में बैलेंस हो चुका है। और अभी हम लोग सीधा जल्दी जल्दी से इनको लेते हैं, लेकर हम लोग पहुँचते हैं वापस से रेंज के अंदर में। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तीन बैग्स दिया ना मैंने ग्रेन्स का, चलो कोई बात नहीं। और अगर नहीं भी आएगा ना तो मैं इसको यहीं पर छोड़ के चला जाऊँगा, फिर बाद में आकर हम लोग इसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई चोरी करने के लिए कोई आता नहीं है। कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे रख के जाओगे तो फिर चोरी हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, टोकरी तो हम लोग रख लेंगे पहले। ये जो राइफल्स हमने दो लिया था ना उसे मैं अपने जेब में रख लेता हूँ। चलो बुलेट्स मुझे मिल चुका है, और ये जो अंडे का टोकरी है ना इसको मैं सीधा ले जाकर मेरे गाड़ी के पीछे में यहाँ पे रख देता हूँ, मैंने जगह बना के रखा इसके लिए ऑलरेडी। चलो काम हमारा हो चुका है ख़त्म, अब हम लोग सीधा चलते हैं रेंज में। और यहाँ पे कोई हिरन वगैरह दिख रहा है क्या? अगर हिरन दिखता है तो सीधा हम लोग यहीं पे उसका काम तमाम कर देंगे। हाँ भैया अब मैंने बुलेट्स खरीद लिया तो अब कोई हिरन नहीं है भैया आसपास में। और जब बुलेट्स था नहीं मेरे पास में तब देखो यार कितने सारे हिरन्स थे मेरे पास में यार, अभी तो फिर से गुस्सा आ रहा है मुझे। चलो यार चलते हैं अपने रेंज में, वापस से चलते हैं। और फिर जाते जाते रास्ते पे भी अगर कोई हिरन मिल गया ना तो उसको भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले। वो देखो एक हिरन मिल गया, जो गुस्सा है ना मेरा वो अभी मुझे काम पे आने वाला है। जल्दी से गाड़ी से निकलते हैं और जो बुलेट्स है ना इसको मार देते हैं। लो भाई इसका काम हो चुका है तमाम, मैं फ्लैशलाइट मेरा ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखे। और मेरा वो जो कार है वो कहाँ चला गया? मैं अपने कार से बैठ कर ना मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ गाइस, और सीधा इसका जो मीट है ना इसको मैं ले लेता हूँ। और आज के लिए गाइस काम हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, पहले मैं गाड़ी के अंदर में चलता हूँ। चलो और लाइट्स ऑन करते हैं और हम लोग सामने के साइड में चलते हैं, क्योंकि वो जो हिरन है ना वो सामने के साइड में ही है। देखो यहीं कहीं पे मैंने मारा हुआ है, ये रहा ये मिल गया। चलो हम लोग रोकते हैं हमारे गाड़ी को यहाँ पे, गाड़ी से बाहर निकलते हैं एक बार। इसका पहले हम लोग मीट निकाल लेते हैं, इतने बड़े हिरन से बस तीन ही टुकड़ा मीट मिल गया। अब इसको मैं सीधा इसके अंदर में रख देता हूँ गाइस। चलो इसको मैंने ले लिया है और यहाँ से इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। वापस से कूलर को रखते हैं अंदर में। और अभी गाइस हम लोग सीधा लौटते हैं हमारे रेंच के अंदर में। चलो यार गाइस हम लोग रेंच में वापस से आ चुके हैं,
ये जो मेरा टोकरी है ना कूलर वाला, इसको मैं यहीं पे गैराज के अंदर में रख दूंगा। और बाकी ये देखो एक और हिरन मिल गया, वाह यार मैं इसी का ही वेट कर रहा था। आ जाओ भैया दो दो हाथ कर लेते हैं। मैं लाइट्स तो मेरा यार ऑन है, कहाँ चला गया यार वो, पता नहीं यार यहीं पे था लेकिन वो पता नहीं यार कहाँ चला गया। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल ही सही, कल देख लेंगे इसके साथ में, कल भर लेंगे। चलो यार अभी फिलहाल तो गाइस चलते हैं अंदर में, फिर पता चलेगा कोई भालू आकर मेरा मीट लेकर चला गया। तो यार गाड़ी के अंदर में एक बार बैठते हैं, और गाइस मैंने जो चीज़ लेके आया है फटाफट से इनको गैराज के अंदर में रख देते हैं। पहले मैं गैराज ओपन करता हूँ और एक एक करके जो चीज़ है ना मैं सारे के सारे को रख देता हूँ। गाइस मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, बैठ के सीधा गाड़ी को ही मैं अंदर में लेके चला जाता हूँ, और आज का जो काम है वो यहीं पर हम लोग कर देते हैं ख़त्म। और ये लास्ट वाला है, इसको भी यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि जब भी जाएंगे ना हमको ढेर सारा ग्रेन बैग्स को एक साथ में लेकर आना पड़ेगा। इसको भी गाइस हम लोग उठाकर सीधा यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हो गया काम गाइस आज के लिए हमारा ख़त्म। अब गैराज का जो डोर है इसको हम लोग बंद कर देते हैं। और मुर्गियाँ का हाल क्या है भाई, सब लोग सही सलामत है ना? हाँ भैया बिल्कुल सब लोग सही सलामत है, सब लोग अंदर में ही हैं। और गाइस अभी हम लोग सीधा घर के अंदर में चलते हैं और आज के लिए सो जाते हैं। ये मैं घर के अंदर में जा रहा हूँ और ये दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, और ये लाइट्स को हम लोग ऑन कर लेते हैं और सीधा हम लोग ऊपर के साइड में चलते हैं। ऊपर के साइड में जाकर अब यहाँ पे गाइस सो जाते हैं। मैं अपना फ्लैशलाइट ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग सो जाते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को आज का ये वाला वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर से ठोक देना। और गाइस अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही बहुत मज़ा आने वाला है। ओके गाइस, तो मैं अभी फिर से मिलूंगा आप सभी से फिर किसी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।